टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में विराट सेना सीरीज में जोरदार वापसी करेगी। सहवाग ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, हमें पहला टेस्ट हर हाल में जीतना चाहिए था, गेंदबाजों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी की संभावना जताई और कहा, गर्मी में लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है। बल्लेबाज को ड्रेसिंग रूम छोर से स्लोप का ध्यान देना होता है, स्लोप के कारण अंदर की तरफ आती है, लेकिन दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या को छोड़ अन्य सभी बल्लेबाज यहां खेल चुके हैं। वैसे पांड्या और कार्तिक लॉर्ड्स पर वनडे मैच खेल चुके हैं। मैंने लॉर्ड्स में पहली बार बल्लेबाजी की थी तो 84 रन की पारी खेली थी। 39 वर्षीय सहवाग चाहते थे कि पहले टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा टीम का हिस्सा हों। वह पुजारा को तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते थे, जबकि बतौर ओपनर वह केएल राहुल और मुरली विजय को खेलते देखना चाहते थे, मगर कोहली ने प्लेइंग एकादश से सभी को हैरान कर दिया। सहवाग ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि केएल राहुल को दूसरे टेस्ट में भी बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपको अपने खिलाड़ी का समर्थन करने की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूं कि राहुल को पर्याप्त मौके दिए जाएं। वीरू का मानना है कि टीम प्रबंधन को पहले टेस्ट में करारी शिकस्त के बाद अलर्ट रहने की जरूरत है। सहवाग ने कहा, लॉर्ड्स पर टीम इंडिया के तीन खिलाड़ी ही विश्वास के साथ मैदान संभालते दिखना चाहिए, बल्कि विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा के अलावा अन्य 8 खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर टीम इंडिया ने यह फंडा अपनाया तो निश्चित ही जीत दर्ज कर सकेगी। हम सिर्फ कोहली के प्रदर्शन करने के दम पर जीत नहीं पाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।